आने वाला कल क्या देख रहे हैं सर पाकिस्तान का? माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई भी किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की नजर में इज्जत है? नहीं। वो जहाँ जाते हैं इज्जत लेके आते हैं, हम जहाँ जाते हैं बेइज्जती लेके आते हैं। गजब बेइज्जती है। हमें क्यों नहीं बताया जाता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर तो जुल्म हो रहा है? इसलिए नहीं बताया जाता कि हो सकता है वो हुकूमतें आप पर नाराज ना हो जाए, ये नहीं बताना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल इज्जत नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर की। मुल्क इंडिया सर, उसके प्राइम मिनिस्टर जो अभी करंट है नरेंद्र मोदी सर, वो गए हैं बुकमा में और वहाँ पर जाकर उनके प्राइम मिनिस्टर ने सर इतने इमोशनल उन्हें कर दिया कि उनके पांव भी छू के उन्हें गले लगा दिया सर, इतना इस्तकबाल किया गया। सर इंडिया में गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। अच्छा। एस जे शंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ तक नहीं मिलाया, बाकी सबसे मिलाया था, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलाया। क्या बोला तूने? फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ तक नहीं मिलाया। क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई भी किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की नजर में इज्जत है? नहीं। या फिर अगर कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी जाते हैं तो उस तरह से वो मुकाम देते हैं जो कि देना चाहिए? बिल्कुल इज्जत नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, जहाँ भी जाते हैं उनको उनकी आवाजें लगती है और पूरी मुल्क की इज्जत नफ्स खत्म करके रख दी। वो जो खुद कहते हैं कि हम मांगते हैं, वो क्या इज्जत होगी उनकी? वो कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, हम मंगते हैं। हम तो नहीं मंगते, हम तो मेहनत करके खाते हैं। वो भी हमारी रोटी तंग कर दी है उन्होंने, आटा कहाँ पहुँचा दिया, चीनी कहाँ पहुँचा दी है। हम सेल्स में नहीं करते हैं, ठीक है, और बच्चे माशाल्लाह हम पालते हैं और बड़ी मुश्किल होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। ये 1.5 साल में मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया, बेड़ा ही गर्क कर। सर आज की एक न्यूज आई है जो की दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया सर, उसके प्राइम मिनिस्टर जो अभी करंट है नरेंद्र मोदी सर, वो गए हैं बुकमा में और वहाँ पर जाकर उनके प्राइम मिनिस्टर ने सर इतने इमोशनल, हाँ यार मतलब पैर छू दिया भाई, उन्हें गले लगा दिया सर, इतना इस्तकबाल किया गया सर, उनकी इस तरह से इज्जत अफजाई क्यों? वो जहाँ जाते हैं इज्जत लेके आते हैं, हम जहाँ जाते हैं बेइज्जती लेके आते हैं। हमारे काम ही ऐसे, आप देखे ना मुल्क में इंसानियत की क्या इज्जत कर रही है, डंडे मारे हर बंदे को, डंडे मारते हैं जिसको दिल करता है उठा के ले जाते हैं। रियाज के साथ क्या कर रहे हैं वो एंकर के साथ, उसको बेचारे को पकड़ा हुआ जज रोज कहता है, बताते हैं सब, हर बंदे को पता। रहम करें इस मुल्क पे, हक और सच को लाने दे, हक और सच को आने दे, खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम करते हैं। वो क्या कर रहे हैं जो इज्जत उनको मिलती है हर जगह से, सिर्फ एक पाकिस्तान है जो उनको बदनाम और गंदा कह रहा है और उनको कातिल कहता है, सवाए पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का मुस्लिम बरादरान भी देख ले, टर्की देख ले, सऊदी अरब देख ले, ईरान देख ले, सब उनको इज्जत दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ऐसा काम कर रहे हैं, तरक्की पे जा रहे हैं। हाँ। दौर में हम उनसे कहीं आगे थे, आज हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़ा। वाह मोदी जी वाह, ब्याह दौर इतना अच्छा दौर था, करप्शन तो नहीं होती थी, अब करप्शन में गिरे हैं। करप्शन की बात ऐसी नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होती, बट पाकिस्तान जैसा नहीं होता करप्शन हमारे यहाँ। चले जो वाटर गैस का, हर जगह हम पैसे देंगे तो काम होगा, पैसे नहीं देंगे कोई हमारा काम नहीं करेगा, कोई सुनेगा नहीं। क्या कोई कंट्री हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करता है? या हिस्ट्री की भी बात करें, क्या वैसा इस्तकबाल कभी किसी एक प्राइम मिनिस्टर को मिला है जैसा कि हम डिजर्व करते हैं या हमारी कोशिशें होती हैं? हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक हमारा तो किसी ने सोचा ही नहीं, जो भी आता है उसे बस जस्ट अपना है। एक चीज हम पहले जो लेके जाते थे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की, आज उसका रेट 150 है, कोई पूछने वाला ही नहीं, इन सबको बस अपने काम से है। और हमारे से सिविलियन से कोई मतलब ही नहीं है, आवाम से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप। सर आज अगर देखें तो सारे जो मुमालिक हैं मुस्लिम बरादरान स्पेशली बात करेंगे तो उन्होंने वैसे पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दिया है, क्या वजूहात लगती है? क्या उन्हें ट्रस्ट खत्म हो गया है? क्या उन्हें यकीन आ गया कि पाकिस्तान के हालात ऐसे फ्यूचर में चलते रहने? उन्हें ट्रस्ट आ गया है कि पाकिस्तान ऐसे ही रहना। ओ भाई बहुत बुरा अमल है हमारे, यही तो कयामत है। एक न्यूज जो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है दुनिया के अंदर, नहीं पाकिस्तान के अंदर भी वायरल हो रही है सर, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसका प्राइम मिनिस्टर अभी जो करंट है नरेंद्र मोदी सर, वो गए हैं पुपा के अंदर सर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पाँव को हाथ लगा के उनका इस्तकबाल किया और गले लगाया है सर। जलवा है हमारा, पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हमें देखने को मिला, पाकिस्तान की हिस्ट्री कभी ऐसा कुछ गले तक वो सही से नहीं लगाते सर। इंडिया में गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, एस जे शंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ तक नहीं मिलाया, बाकी सबसे मिलाया था, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलाया।
सर ऐसा क्यों है, उनको इतनी इज्जत मिलती है हमें क्यों नहीं मिलती? जब हम ऐसा काम करो भाई ऐसे नहीं ना करेंगे तो बाहर से हमारी इज्जत कोई भी नहीं करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर आज तक हिस्ट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसा, हमें तो कोई मतलब हाथ के गले भी नहीं लगाता। नहीं नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, लगाएंगे लगाता क्यों नहीं है? अभी तो कुछ आज नहीं ना जाएंगे तो ना। फॉरेन मिनिस्टर गए थे बिलावल भुट्टो इंडिया, उन्होंने तो हाथ भी नहीं मिलाया। एस जयशंकर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। उसने नहीं मिलाया, किसने मिलाया? बिलावल भुट्टो भी नहीं मिलाया, जब उसने नहीं मिलाया तो सर नमस्ते तो किया था उनको, लेकिन उनका काम बंदा था बिलावल भुट्टो एज अ गेस्ट गए। अब आपके अगर मिसाल के तौर पे कोई आता तो आप उठ के मिलते हैं। इंडिया ने हमें नहीं बुलाया था, वो चाइना अच्छा। की यानी के हो रही थी, इसलिए यानी के बिलावल भुट्टो गए थे। कोई सेंस है इस बात की? कुछ भी भाई, पाकिस्तान की किसी भी शख्स को, बल्कि आम आवाम को भी, अब तो वो जो पहले थोड़ी बहुत इज्जत थी वो तो आम आवाम के लिए भी नहीं, बल्कि कुछ ममालिक में तो पाकिस्तान के कुछ शहर हैं जिनके शहरियों के लिए जो ना वीजे की पाबंदी कर दी है। जी बिल्कुल ऐसा है। तो वजीर आजम तो अब तो ये क्रेडिबिलिटी नहीं है, अब तो जैसे ब्लूमबर्ग वगैरह ने और दूसरे लोगों ने कहा कि ये जो वजीर खजाना है हमें उनकी बात में यकीन ही नहीं होता। इस IMF वगैरह इसीलिए कर्ज जो नहीं दे रहे, तो वो कहते हैं कि हमें तो जो आदाद शुमार ये पेश करते हैं वो हमेशा गलत आदाद शुमार होते हैं, हकायक कुछ और होते हैं। मतलब झूठ बोल के पैसा ले जाए मुझसे ना, हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा इस झूठ में जो हमारे सियासतदान बोलते रहे, जो हमारे हुक्मरान बोलते रहे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो तो समाप्त, और हाँ आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यार। मतलब मेरे को देख के ये बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ना, जैसे कि हमारे धर्म में है कि जैसे बड़ों का पैर छूना आदर करना, वैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ किया, तो ये चीज़ देख के मेरे को बहुत सही लगा यार। मतलब दिल को मतलब खुशी मिलती है यार, एंड जहाँ भी देखो यार वहाँ पर मतलब अपने देश की चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी को लीडर के रूप में देखा जा रहा है, ये चीज़ अपने देश के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं और नए वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।